हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने अपने पीस कट कर लिए हैं, तो मैं आपको इनका नाप बता देती हूँ। तो ये देखिए, मेरे दो पीस हैं जो 5.5 इंच के हैं, 5.5 के, 5.5 इंच के। ये भी मेरे दो पीस हैं, सेम 5.5 इंच के हैं। ये मेरे 10 पीस हैं जो 2.5 इंच के, ये भी मेरे 10 पीस हैं जो 2.5 इंच के। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इनको एक एक करके सिलेंगे। और हमें कैसे सिलना है फ्रेंड्स, हमें ऐसे करके सिलना है, ऐसे करके सिलना है हमें। और ये जो मेरे दो पीस हैं इनको ऐसे करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे। तो इन दोनों में फ्रेंड्स हमारी लाइन लगेगी, तो मैं लाइन लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरी लाइन लग गई है। अब हम बीच की लाइन को छोड़ के साइड साइड में सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये दोनों पीस हम ऐसे सिलने हैं, तो मैं पहले इनको सिल के दिखा देती हूँ। और इनको हम ऐसे सिलना है, पहले हम यहाँ सिलेंगे, पलट देंगे, इसको भी हम यहाँ रख के सिलेंगे, पलट देंगे, फिर हम इसके ऊपर ये रखेंगे और पलट देंगे सिल के। तो मैं आपको एक पीस ये सिल के दिखा देती हूँ और ये सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये पीस तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें ये सारे पीस तैयार करने हैं। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ये जो हमारा पीस सिल गया है, अब हम इसको बीच में से कट करेंगे। ये हमारा डबल शेड का पीस हो गया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इसको रख के बराबर लेना है, ये दोनों पीस बराबर आने चाहिए। तो ये हमारा 4.5 इंच का तैयार आ रहा है, तो हमें भी ये पीस 4.5 इंच करना है। तो हमें 1/2 इंच थोड़ा कट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसे कट करने से पहले फ्रेंड्स अच्छी तरीके से नाप लीजिएगा, और ये हमारा 4.5 इंच आना चाहिए। तो मैं बाकी के पीस भी कट कर लेती हूँ और 4.5 इंच नाप लेती हूँ, और ये भी सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये सारे पीस सिल गए हैं और मैंने इनको इसके हिसाब से नाप लिया है और कट कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब मैं इनका डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना डिज़ाइन सेट कर लिया है। आप चाहे तो इसको पलट के इस तरीके से भी डिज़ाइन सेट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे इस तरीके का चाहिए था, इसलिए मैंने इस तरीके का शेड चुना है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सिलेंगे। तो कैसे सिलेंगे फ्रेंड्स, पहले हम इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। उसको भी हम यहाँ रखेंगे, इस पीस को यहाँ से सिलेंगे और पलट देंगे। सेम पीस हमें ऐसे यही सिलने हैं, तो मैं आपको इनको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे तीनों पीस सिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पलटेंगे, यहाँ से जोड़ को मिलाएंगे। तो ये हमारा बीच का जोड़ है फ्रेंड्स, जो हमें मिलाना है। तो यहाँ हम पिन अप कर लेते हैं, और फिर पिन लगाने के बाद हम इसे सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जोड़ से जोड़ मिला लिए और पिन अप भी कर दिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको यहाँ से सिलेंगे। सिलने के बाद फ्रेंड्स, हम पलट देंगे और इस पीस को भी हम ऐसे ही सिलेंगे। तो वो भी हम यहाँ पिन अप कर लेंगे और सिल लेंगे। तो मैं आपको ये पीस कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, ऐसे खूबसूरत डिज़ाइन बनाइए, और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।